साइंसी दरियाफ्त का एक गिरोह कई दिनों से बहरुल काहिल के समुद्र पर महवे सफर था। दूर दूर तक किसी खुशकी के नजर न आने पर जहां उस गिरोह का सरबराह जेम्स कुक परेशान था, वहीं उसके साथी भी इतने लंबे सफर के बाद अपने सरबराह को पुरुमीद होकर देख रहे थे, जिसकी नजर मुसलसल खुशकी की तलाश में समुन्दर के अतराफ पर थी। ये 7 अक्टूबर 1769 की एक दोपहर का वक्त था जब जेम्स कुक की यह तलाश खत्म हुई और उसने बहरुल काहिल के वसी समुद्र में कुछ ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे जिनके करीब ही एक जजीरा वाक्य था। नाजरीन, ये जजीरा आज के जमाने में न्यूजीलैंड कहलाता है। आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज हम आपको जान लो के मालूमाती सफर में जजीरों पर बने एक खूबसूरत मुल्क न्यूजीलैंड की सैर पर ले जा रहे हैं और साथ ही आपको इस मुल्क के मुतालिक दिलचस्प मालूमात और हकायक भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। नाज़रीन, न्यूजीलैंड की कुछ तारीख तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अभी न्यूजीलैंड की तारीख से मुतालिक बहुत सी ऐसी मालूमात हैं जिनसे आप नावाकिफ होंगे। वैसे तो इस जजीरे में 1200 से 1250 के दरमियान जजीरा पॉलिनेशन कौम से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने आबादी शुरू की जो समुद्री जुनूब मशरकी एशिया को अपना कौमी वतन बताते थे। ये नस्ली जुबान बोलने वाले लोग थे और उन्होंने यहाँ माओरी तहजीब को फरोग दिया। इस तहजीब के लोग अभी भी न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि जेम्स कुक से पहले भी एक यूरोपी ने इस जजीरे पर कदम रखा था जिसका नाम एबेल थॉमसन था, लेकिन माओरी तहजीब के लोगों को उसकी अपने जजीरे में आमद बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने उसके तमाम साथियों को मार दिया। जेम्स कुक ने इस मामले में समझदारी से काम लिया और इस इलाके का जायजा लेते हुए चुपचाप यहां से चला गया और उसके 6 महीने बाद इसका नक्शा बना दिया। इसके बाद इस खित्ते में कई सालों तक जंगें चलती रहीं और यूरोपी बीमारियां भी इस पर हावी रहीं, जिसके नतीजे में सिर्फ 101 माओरी लोग ही बचे थे। तवील जंगों और इलाकाई जबकलश के बाद 1840 में मुमलिकत मुत्तहिदा के नुमाइंदों ने माओरी सरबराहों के साथ वेटिंगी वाहिदे पर दस्तखत किए, जिसकी रूह से न्यूजीलैंड बरतानिया के जेर इख्तियार आ गया। 1841 ईस्वी में न्यूजीलैंड सल्तनत बरतानिया की एक कॉलोनी बन गया और 1907 में उसे डोमिनियन न्यूजीलैंड बना दिया गया। फिर 1947 में इसे खुद मुख्तार रियासत का दर्जा मिल गया। नाज़रीन, अब मौजूदा न्यूजीलैंड का रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि आज का न्यूजीलैंड एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है जहां पहाड़, वादियां, जंगल, चरागाहें और मोतदल और सर्द मौसम सैयाहों की तवज्जो का मरकज है। न्यूजीलैंड भी एक जमाने में सख्त मुआशी तंगियों का शिकार मुल्क था, लेकिन 1980 के बाद न्यूजीलैंड की मईशत में वाज़ह तब्दीलियां देखने को मिली। न्यूजीलैंड ने अपने ज़राअत के शोबे को फरोग दिया और इससे खूब फायदा हासिल किया। न्यूजीलैंड अभी भी कई ममालिक में चमड़ा फरोख्त कर रहा है, क्योंकि कुछ सालों पहले कहा जाता था कि न्यूजीलैंड में भेड़ों की तादाद वहां के इंसानों से ज्यादा है, लेकिन अब कुछ सालों से इसमें कमी देखने में आई है। इसके अलावा न्यूजीलैंड अपनी मईशत का एक अहम हिस्सा सयाहत से हासिल कर रहा है। सयाहों की जानिब से सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले ममालिक में न्यूजीलैंड 5वें नंबर पर आता है। नाज़रीन, सयाहों के बाद बात की जाए अगर वहाँ के रिहायशियों की, तो न्यूजीलैंड में ईसाइयत सबसे बड़ा मजहब है, मगर ये मुल्क खुद को सेकुलर कहता है। न्यूजीलैंड में तकरीबन 40% लोग अंग्रेजी बोलते हैं। न्यूजीलैंड की अंग्रेजी ऑस्ट्रेलिया की अंग्रेजी जैसी है, मगर न्यूजीलैंड की अंग्रेजी और दीगर अंग्रेजी लहजों में थोड़ा सा फर्क। ये लोग आई की आवाज को एक ही तरह निकालते हैं। अगर खेलों की बात की जाए तो न्यूजीलैंड के ज्यादातर खेल बरतानिया से मुस्तार लिए हुए हैं। रग्बी मुल्क का कौमी खेल है और ज्यादातर लोगों को पसंद आता है। गोल्फ, नेटबॉल, टेनिस और क्रिकेट न्यूजीलैंड के मशहूर खेलों में शुमार किए जाते हैं। क्रिकेट में न्यूजीलैंड की टीम का शुमार दुनिया की टॉप 10 टीम्स में होता है। अब अगर इस खित्ते की बात की जाए तो ये मुल्क कई जज़ायर पर मुश्तमिल है, लेकिन यहाँ की 90% आबादी शुमाली जजीरा और जुनूबी जजीरा में रहती है। शुमाली जजीरा न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा खुश्की का रकबा है और दुनिया का 12वां बड़ा जजीरा, के जुनूबी जजीरा दुनिया का 14वां बड़ा जजीरा है। इस जजीरे में पहाड़ अगरचे कम है, मगर यहाँ आतिशफिशानों की कसरत है। तापू आतिशफिशानी खित्ता सबसे बड़ा आतिशफिशानी इलाका है और जजीरे का सबसे ऊंचा पहाड़ भी यहीं वाके है। यहीं मुल्क की सबसे बड़ी झील टापू भी वाके है। न्यूजीलैंड एक शहरी आबादी वाला मुल्क है,
जहां 73% आबादी शहरी इलाकों में रहती है। 55.1% आबादी न्यूजीलैंड के 4 बड़े शहरों ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च, वेलिंगटन और हैमिल्टन में रहती है, लेकिन वेलिंगटन इस मुल्क का दारुल हुकूमत है। नाज़रीन, अब आपको न्यूजीलैंड की सैर करवाते हैं। न्यूजीलैंड के मशहूर सियाहती मकामात में से एक फेवरलैंड नेशनल पार्क है, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने का एजाज भी हासिल है। ये जगह हाइकिंग करने वालों के लिए इस मुल्क की बेहतरीन जगह है और यहाँ पर मौजूद सेका केंग इस जगह की सैर करने का बेहतरीन तरीका है। इसके बाद न्यूजीलैंड के सियाहती मकामात में ऑकलैंड से 3 घंटे की दूरी पर बे ऑफ आइलैंड्स वाके है। ये माहीगीरों की एक पसंदीदा जगह है और अगर आप भी मछलियाँ पकड़ने के शौकीन हैं तो यकीनन ये आपको पसंद आएगा। इसके अलावा पेंगुइन्स, डॉल्फिन, वेल और मार्लिन इस जजीरे की मशहूर समुद्री स्पीशीज हैं। न्यूजीलैंड के सियाहती दारुल हुकूमत के तौर पर जाना जाने वाला मकाम क्वींस टाउन है। ये बैन अल-अक़वामी सयाहों के लिए मुल्क के बेहतरीन मकामात में से एक है। बंजी जंपिंग, जेट बोटिंग, वाइट वाटर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग और डाउनहिल स्केटिंग यहाँ आने वाले शायकीन की तवज्जो का मरकज रहते हैं। हाइकिंग करने वाले लोग यहाँ के अल्पाइन के नज़ारों से भी महसूस होते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए यह जगह फर्स्ट क्लास होटलों, स्पास, रेस्टोरेंट्स, गैलरियों और दुकानों के साथ साथ सयाहों के लिए हर तरह की सहूलियात रखती है। नाज़रीन, न्यूजीलैंड का खूबसूरत मकाम लेक टॉपो है, जिसे इस खूबसूरत झील और यहाँ मौजूद आतिशफिशानी पहाड़ों की वजह से दोहरा सकाफती वर्षा होने की हैसियत हासिल है। इस झील को न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील कहा जाता है। यहाँ सयाहों के लिए तफरीही चीजों में कैंपिंग, पार्क में बने हाइकिंग ट्रेल और विजिटर सेंटर शामिल हैं। न्यूजीलैंड में मौजूद फ्रेंच जोसेफ और फॉक्स ग्लेशियर, शानदार वेस्टलैंड ताई पोतेनी नेशनल पार्क सयाहों के लिए अहम मकाम रखते हैं। ये दुनिया के रसाई रखने वाले ग्लेशियर्स में से भी एक है। नाज़रीन, न्यूजीलैंड में इन मशहूर सियाहती मकामात के अलावा भी बहुत से ऐसे मकामात हैं जो दुनिया भर के सयाहों के लिए दिलचस्पी का बायस बनते हैं। आइए अब आपको बताते हैं न्यूजीलैंड के मुतालिक कुछ ऐसे हकाइक जो आपके लिए इंतहाई दिलचस्प और हैरान कन होंगे। नाज़रीन, न्यूजीलैंड जदीद दुनिया का वो पहला मुल्क है जिसने औरतों को वोट के हक से नवाजा था। क्या आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड में सिर्फ 5% इंसान हैं, जबकि 95% जानवर और दूसरे जानदार हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जो अंटार्कटिका के करीब है। आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि न्यूजीलैंड की तीसरी बड़ी जुबान इशारों की जुबान, जो कि आमतौर पर बोलने और सुनने से महरूम लोगों के लिए इस्तेमाल होती है। नाज़रीन, न्यूजीलैंड एक ऐसा मुल्क है जहाँ कोई सांप नहीं है और यहाँ पर दुनिया की सबसे छोटी डॉल्फिन भी पाई जाती है। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड एक इंतहाई पुरसुकून और महफूज मुल्क है जो अपने अंदर बेशुमार कुदरती मनाजिर को समोए हुए है। तो अगर आप इस मुल्क की सैर करना चाहते हैं तो यकीनन ये एक बहुत अच्छा फैसला होगा। लेकिन सैर से पहले हमें जरूर बताते जाएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।